बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के रूप में वास करते हैं। हमारे देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए जाते हैं। इन धामों में जाकर सभी श्रद्धालु अपने अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार, जिससे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। यह सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह एक पावन और प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं और मन्नतों के लिए आते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बागेश्वर धाम जा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने बागेश्वर बालाजी महाराज के रूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। इस मंदिर में आने के लिए सभी भक्तगणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टोकन दिया जाता है, जिसके लिए सभी भक्तगण धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है, जहां उनकी समस्याओं का निवारण महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा बिना भक्तों को बताए ही समस्या का समाधान किया जाता है। इसके साथ ही भक्तजन बागेश्वर धाम में होने वाली श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक अन्य उपाय दिया है। महाराज के अनुसार आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही धाम में होने वाली श्री राम कथा को आप YouTube चैनल एवं अन्य साधनों द्वारा लाइव प्रसारित किया जाता है, जिससे श्रद्धालु कहीं भी रहते हुए कथा सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज जी।